पानीपत से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सहकारी दुग्ध संघ की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर साधा निशाना। चौधरी ने बताया, भाजपा सरकार सहकारी दुग्ध संघ को खत्म करने पर तुली है। प्राइवेट डेयरियां जो निजी हाथों में होती हैं, दूध का भाव 7.50 रुपए प्रति फीट किसानों को दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर भोपाल दुग्ध संघ शहरी उपभोक्ताओं को लगातार दाम बढ़ाकर 55 से 60 प्रति लीटर दूध बेच रहा है और दूसरी ओर किसानों से 6.50 रुपए प्रति फीट के हिसाब से खरीद रहा है। 30 से 40 लीटर दूध देने पर किसान को मजबूर किया जा रहा है। यह कैसा दोहरा चरित्र, किसानों से सस्ता दूध खरीद कर महंगा बेचा जा रहा है और उपभोक्ताओं और किसानों दोनों का शोषण करने पर यह सरकार तुली हुई है। आज मध्य प्रदेश में सभी सहकारी दुग्ध समितियां दूध के भाव बढ़ाने, सुदाना पशु आहार के भाव कम किए जाने और सहकारी समितियों की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, मगर भोपाल दुग्ध संघ और ना ही सरकार के कानों में जू तक रेंग रही है। विधायक चौधरी ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर सीधा आरोप लगाते हुए अपने व्यापारी बंधुओं को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से कहा, आप मध्य प्रदेश दुग्ध संघ को संपूर्णतया बंद ही करवाना चाहते हो ताकि आपको और आपके व्यापारियों के द्वारा चलाई जा रही निजी डेयरियां अपने मनमाने ढंग से सस्ते दूध में खरीदी करें और किसानों का शोषण होता रहे। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों पर ध्यान दिया जाए, समितियों की मांगों पर ध्यान दिया जाए और किसानों और दुग्ध समितियों की मांगों को पूरा कर दूध के भाव बढ़ाकर इस हड़ताल को खत्म कराया जाए। आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है? देखिए, जिस प्रकार की सरकार की नीति और नियत है, किसान दूध का प्रताड़ित और परेशान हो रहा है, आम जनता अलग परेशान हो रही है। ना तो कई समय से किसान उत्पादकों की मांग थी कि सरकार दूध के फेट के भाव बढ़ाए और सुदामा जो आहार जो आता है पशुओं का उसके दाम कम करे। ना तो सरकार ने उनके दामों को कम करा, ना दूध के फेट के भाव बढ़ाए और उल्टा उपभोक्ताओं से जो 4 से 5 रुपए लीटर की बढ़ोतरी करी है, उसके बावजूद भी जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित किसान है दुग्ध उत्पादन। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी तब 7.20 रुपए फेट दूध था और आज किसानों को मिलता था, और उस समय दूध के भाव आज से लगभग 5 रुपए लीटर कम हुआ करते, तो उपभोक्ता को भी राहत थी, किसानों को भी राहत थी, क्योंकि जो यूरिया का नकली दूध आ रहा था उसके खिलाफ शुद्ध का युद्ध चला के कहीं ना कहीं उस नकली दूध को बंद कर दिया। आज पिछले 3 दिन से किसानों की 21 तारीख से हड़ताल चल रही है, भोपाल दुग्ध संघ को दूध देना किसानों ने बंद कर दिया, उसके बाद भी जो आपूर्ति कर रही है कहीं ना कहीं ये नकली दूध का बड़ा भंडार दिखता है। किसान को आज 6.40 रुपए फेट के दूध के 6.40 रुपए से 6.50 रुपए फेट दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में 7.20 रुपए दिए जाते थे। प्राइवेट प्लेयर 7.50 रुपए दे रहे हैं। सरकारी दुग्ध समितियों को कैसे खत्म करा जाए, कैसे किसान जिसके साथ लगा हुआ है उसको खत्म करा जाए और कैसे उपभोक्ता को जो गरीब मध्यम वर्ग का है उसको लूटा जाए, ये सरकार की नीति और नियत है कि नकली दूध के सहारे मध्य प्रदेश की जनता को ये करने का काम कर रहे हैं और किसानों के साथ धोखा ये कर रहे हैं। स्पष्ट है, हमारी मांग है कि किसानों के दूध को सही भाव पे लिया जाए और उपभोक्ता को भी सही कीमत पे दिया जाए। दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।